नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड न होने के कारण जीटी रोड पर जाम लगा रहता था, क्योंकि सबस्टेशन बनाने के लिए कोई ऐसी जमीन नहीं थी कि रोडवेज बसों का ठहराव हो सके। लेकिन तलाशने पर मानू का पुरवा में एक खलिहान तालाबी नंबर जीटी रोड किनारे था, जिसमें का कब्जा हटवाकर रोडवेज बस स्टैंड नगर पंचायत द्वारा निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद और विधायक और अधिशाषी अधिकारी नगर अध्यक्ष और रोडवेज एआरएम मक्खन लाल के सरवानी और तमाम संभावित लोगों के बीच उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें हर एक रोडवेज बस को खड़ा करने का फैसला किया गया था। लेकिन दो दिन बाद कोई बस नहीं खड़ी होती। आप लोगों को बताते चलें कि खागा पुलिस चौकी के सामने ई रिक्शा चालक भीड़ लगाकर खड़े होते हैं और जीटी रोड पर बसें खड़ी करते हैं, और मानू का पुरवा रोडवेज बस स्टैंड लोगों के पार्किंग स्थल बना। सवारी 10 रुपये देकर आते हैं और बस जब नहीं बसें खड़ी होती हैं तो ई रिक्शा चालक को फिर 10 रुपये देकर वहीं पुराने बस स्टैंड जाते हैं तो बस वहीं खड़ी होती है। उसके पीछे बस ड्राइवर और कंडक्टर को चाय पान मूंगफली जैसी चीज़ें खाने पीने को फ्री में मिलता है, इसलिए बसें पुरानी जगह खड़े करते हैं। और सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुआ है लेकिन ताला बंद रहता है, और जो सवारियां आती हैं और टॉयलेट जाना चाहते हैं तो वह भी बंद रहता है। आए सुने क्या कहा मोहल्ले वालों और सवारियां। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। खागा के लिए बस अड्डा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बसें बार बार बस अड्डा ना होने के कारण ज़्यादातर बसें बाहर से निकल जाती थी, और यहाँ व्यापारियों की मांग भी रहती थी कि बस अड्डा भी हो, बसें अंदर से जाएं। जो पुराना बस स्टॉप बना हुआ है वहाँ पे आज भी रोडवेज रुकती है, घंटन रुकी रहती है, ट्रैफिक जाम होता है, जनता परेशान होती है। लेकिन जो नया बस स्टॉप जो समस्या के लिए बनाया गया था वहाँ पे एक भी बस नहीं रुकती है। बहुत समस्या, ज़्यादा समस्या है जनता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो बस स्टॉप बना है वो बस स्टॉप पे बस रुके और इसी तरह आवागमन हो, बस उसी चाहते हैं हम लोग। ज़्यादा जाम ना लगे, उसी तरह वहीं से बाईपास से आए, बाईपास से जाए, जो जाम लगता है जाम की समस्या हट जाएगी। फायदा पब्लिक को मिला, यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारी बसें दो पैसे के लालच में ड्राइवर चाय पीने और पान खाने के चक्कर में वही चौराहे में जो अपना पुराना बस स्टॉप था वही रुकते हैं। यहाँ के एआरएम को अभी हमने शिकायत किया, उनका नंबर हमको कहीं से मिल गया था, लेकिन उनका भी कोई गतिविधि आगे दिखाई नहीं पड़ी, कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं रुकती। यहाँ तक कि अगर शाम का 6:30 बज गया तो यात्री यहाँ आएगा और फिर रिक्शे में बैठ के पुराने बस स्टॉप जाएगा, वहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चली गई रक्सम बाइट के फिर ही ऐसे नहीं, जब नहीं रोके, यह हाल है। समय कहाँ पे है? खागा बस स्टॉप, नया बस स्टॉप पर। नया बस
तो कब से हैं आप? कम से कम आधा घंटा। बसें नहीं आई क्या? आई हैं फिर निकल गए, रोके नहीं हैं।